क्यों हम लोग ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करते और पूरे विश्व में पुष्कर में ही उनका एकमात्र मंदिर क्यों है? हिंदू समाज में ब्रह्मदेव की पूजा करना आखिर क्यों वर्जित है? तो चलिए आज हम हिंदी स्टोरी ट्यूब में इससे ही संबंधित एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जानिए क्यों नहीं होती ब्रह्मदेव की पूजा और क्यों है पुष्कर में ही उनका एकमात्र मंदिर। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मदेव की पूजा ना होने और एकमात्र पुष्कर में ही ब्रह्मदेव का मंदिर होने का कारण। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान ब्रह्मा पहले देवता हैं। वे ब्रह्मांड की निर्माता हैं। भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है और कई मंदिर विष्णु और शिव को समर्पित है, लेकिन ब्रह्मदेव को नहीं पूजा जाता। पूरे भारत में उनका एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में है, जो राजस्थान में लगता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मदेव की पूजा ना होने का कारण और पूरे विश्व में पुष्कर में ही उनका एकमात्र मंदिर होने से जुड़ी पौराणिक कथा। कौन है ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है, जिन्हें सृष्टि का रचयिता और वेद ज्ञान का प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। उनके चार चेहरे और चार भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजाओं में एक एक वेद है। आप ऐसा कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक जीव का निर्माण ब्रह्मा जी ने ही किया है। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई है। कौन करते हैं ब्रह्मदेव की आराधना? ब्रह्मदेव की आराधना पूरे विश्व के बहुत ही कम संप्रदाय करते हैं, जैसे कि माधव संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा को ही मानते हैं और इसी कारण उड़ीपी आदि मुख्य मठ पीठों में इनकी पूजा आराधना की करने की परंपरा है। यही नहीं, यदि देवता या असुर भी मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं की आराधना और तपस्या करते हैं। जाने ब्रह्मदेव द्वारा पुष्कर को ही यज्ञ करने के लिए चुनने से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव धरती लोक के कल्याण के लिए धरती पर एक यज्ञ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ करने के लिए धरती पर सही स्थान का चुनाव करने हेतु अपने भाग से निकले कमल को धरती पर भेजा, जो राजस्थान के पुष्कर में उस पुष्प का एक अंश गिरा और वहाँ एक तालाब का निर्माण हो गया और फिर ब्रह्मदेव ने इस स्थान को यज्ञ के लिए चुना। जाने ब्रह्मदेव द्वारा यज्ञ करने के लिए किए गए विवाह से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव पुष्कर के उसी स्थान पर यज्ञ करने पहुँचे और अन्य सभी देवी देवता भी। अब आवश्यकता थी एक स्त्री की जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, जिसके लिए उनकी पत्नी देवी सावित्री को चुना गया था। लेकिन इसके लिए वो उचित समय और मुहूर्त में नहीं पहुंच पाए। तब ब्रह्मदेव ने नंदिनी गौ के मुख से सावित्री रूप स्त्री को प्रकट कर उससे विवाह किया और उसके साथ स्वयं यज्ञ में बैठ गए। अगर अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। पहली पौराणिक कथा, जाने देवी सावित्री के यज्ञ में पहुंचने और ब्रह्मदेव को श्राप देने से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव ने जैसे ही यज्ञ शुरू किया तभी देवी सावित्री का वहां आगमन हो जाता है और देवी सावित्री अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देख क्रोधित हो उठी और क्रोधवश उनको श्राप दे दिया कि ब्रह्मदेव भी संपूर्ण धरती लोक पर कभी भी कहीं भी कोई भी पूजा नहीं करेगा। पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद नहीं करेगा। बस देवी सावित्री के उसी श्राप के कारण आज तक इस धरती लोक पर कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करता। जाने ब्रह्मदेव के पुष्कर मंदिर निर्माण से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री को इतना क्रोधित देखकर सभी देवी देवता डर गए और उनसे अपना क्रोध शांत करके उस श्राप को वापस लेने की गुजारिश करने लगे। इसके बाद देवी सावित्री ने अपना क्रोध शांत किया और कहा कि आज ब्रह्मदेव ने जिस स्थान पर यज्ञ किया है वही धरती लोक पर उनकी सदा ही पूजा होगी और यही उनके मंदिर का निर्माण। तब से ब्रह्मदेव का पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है, जहां उनके लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। जाने सावित्री माता के मंदिर से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अपना क्रोध शांत हो जाने के बाद देवी सावित्री भी ब्रह्मदेव मंदिर के पास स्थित एक पहाड़ी पर जाकर तपस्या करने लगी, जिनका आज वहां एक भव्य मंदिर है और लोगों की आस्था के अनुसार वो आज भी वहां रहकर भक्तों का कल्याण कर रही है। आज भी विवाहित स्त्री अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस मंदिर में आती है और माँ से आशीर्वाद मांगती है। आज भी लाखों की तादाद में हिंदू तीर्थ यात्री देश और विदेशों से ब्रह्मदेव के इस मंदिर में उनके दर्शन करने हेतु पुष्कर आते हैं और तालाब में भी स्नान करते हैं।
दूसरी पौराणिक कथा। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाल लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। तीसरी पौराणिक कथा। मोहिनी नाम की स्वर्ग की एक अप्सरा ब्रह्मा जी के मनमोहक रूप को देखकर उनसे प्रेम करने लगी। एक दिन जब ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे तब मोहिनी उनके निकट जाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने निकट बैठी मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? अप्सरा मोहिनी बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को देखकर उसे समझाने लगे, लेकिन मोहिनी नहीं मानी और ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। जब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के निकट अप्सरा मोहिनी को देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा, ये रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, ये अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। पर सप्तऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुरा कर वहाँ से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। आपको अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।